हरिद्वार में प्रदेश के लोक निर्माण और भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेम नगर आश्रम में भारत मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड नमो गंगे ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में प्रेम नगर आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस प्रदर्शनी में यहां 180 कंपनियों के साथ ही भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हैं। वहीं आयुर्वेद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक से एक बढ़कर जड़ी बूटियां हमारे यहाँ पैदा होती है, इन्हीं जड़ी बूटियों को पर्यटन से भी जोड़ने का कार्य भविष्य में किया जाएगा। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। वाइब्रेंट उत्तराखंड का यहाँ एक्सपो चल रहा है और इसमें काफ़ी स्टॉल्स लगे हैं, 180 के करीब लगे हैं। और निश्चित रूप में क्या क्या उत्तराखंड में प्रोड्यूस हो रहा है, क्या क्या बन रहा है, उससे ज्ञानवर्धन होता है और लोगों को पता चलता है। बहुत सी रिक्वायरमेंट्स फैक्ट्री की होती है, वो यहाँ बन रहा है तो वो ले लेते हैं माल को, और यहाँ पर जो एग्रो को लेकर चला है, हॉर्टिकल्चर को लेकर चला है, उससे किसानों का भी ज्ञानवर्धन होगा, इससे बहुत लाभ होगा हमारे क्षेत्र में। हमारा उत्तराखंड जड़ी बूटियों का एक हब है, आपने बात कही किसको? नहीं, निश्चित रूप में, क्योंकि जब लक्ष्मण जी को मूर्छित हो गए थे तो धनवंतरी ने कहा था कि भाई उत्तराखंड से जड़ी बूटी लाओ, संजीवनी लाओ। यहाँ संजीवनी की जड़ी बूटियाँ यहाँ उपलब्ध हैं और निश्चित रूप में उन पर रिसर्च होनी चाहिए, उनकी खोज होनी चाहिए और उनका उत्पादन करके हम लोग निश्चित रूप में देश और दुनिया का भला कर सकते हैं। आरोग्य संगोष्ठी है, इस आरोग्य संगोष्ठी में आयुर्वेद का वर्तमान प्रदर्शन में, जो कि पूरी कंट्रीज में आज सारा देश नहीं संपूर्ण विश्व मांग रहा है कि आयुर्वेद की क्या योगदान हो सकता है, इस संबंध में आयुर्वेद के वैज्ञानिकों के यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ऋषिकुल, गुरुकुल, देहरादून यूनिवर्सिटी, सभी जगह के हमारे छात्र और हमारे विद्वान आ रहे हैं, दिल्ली से भी लोग आए हुए हैं, तो हम चर्चा करने जा रहे हैं एंडोरेक्टल डिपार्टमेंट में हम क्या काम कर सकते हैं, वुंड हीलिंग में हम क्या काम कर सकते हैं, और आयुर्वेद क्रॉनिक डिसीजेज में क्या काम कर सकता है, डायबिटीज़ में, कैंसर में, इस सारे बारे में चर्चा की जाएंगी। और बात भी आज में विशेष रूप से गठिया के रोगी होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ऐसी लुप्त वनौषधियाँ, जिस संजीवनी की हम बात करते हैं रामायण काल की, उस संजीवनी जैसी वनौषधियों के खोज के लिए उत्तराखंड